दोस्तों कल बात हुआ था और कल बात हो करके मेरा सासू माँ के साथ थोड़ा सा बहस भी हुआ था मेरा, और उसके बाद से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है। उनका भाई का जितना भी नंबर है, उनका घर का नंबर, सब नंबर में मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई कोई नहीं उठा रहा है और किसी में स्विच ऑफ आ रहा है और बात भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। शायद उनको समाधान के लिए उनका मन नहीं लग रहा है, इसलिए कोई भी फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा है। और मैं कल रात से मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ, आज भी दिन भर हो गया है, अभी 12:30 से ऊपर हो गया है टाइम, और आज भी खाना खाने के लिए इच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अभी मेरे माँ बाप और मोनिका वो खा रहे हैं खाना को, और मुझे खाना खाने का इच्छा नहीं लग रहा है। जो कुछ भी झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, अगर फ़ोन को अभी अगर रिसीव नहीं करेंगे तो बात कैसा होगा। मैं जा करके वहाँ पे तो बात नहीं करूँगा कि वो भी आ करके यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अभी मोबाइल का ज़माना है, जहाँ पाताल में भी रहे, जहाँ दूर पे भी रहे, मोबाइल में बात करके भी तो सब कुछ हो सकता है। मोबाइल पे बात करके क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन फ़ोन को ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। और जितना दिन भी हो गया झगड़ा हो करके, 4 दिन बीत गया है, मैं ही कॉल किया हूँ, और वहाँ से एक बार भी कॉल नहीं आया है कि हम क्या करें। मैं तो आ गया हूँ मेरा मम्मी पापा के घर, कि उन्होंने भी, उनका भाई, उनका बहन, जो कुछ भी रिश्तेदार हैं उनका, वहाँ पे कोई भी मुझे फ़ोन नहीं किया है। ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, यहाँ पे चले आए हैं बच्चे लोगों को पकड़ के, क्या क्या हुआ बताओ मुझे, ऐसा भी कोई भी मुझे फ़ोन नहीं किया, बल्कि मैं ही कॉल किया हूँ 4 4 दिन। और कल भी कॉल किया मैंने, जो कुछ भी हुआ मैं आपको वीडियो में दिखाया। उसके बाद से मैं जितना भी कॉल कर रहा हूँ, कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है, और नेटवर्क से बाहर तो नहीं बता रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, नहीं तो रिंग होता है तो कोई रिसीव नहीं करता है। मैं तो गारंटी नहीं दे सकता, बाकी फ़ोन अगर रिसीव नहीं कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल को उन्होंने नहीं देखा, तो बाद में तो मोबाइल को देखा होगा, और मेरा जो मिस कॉल गया होगा, मैंने जो कॉल किया था वो उसका नोटिफिकेशन तो वहाँ पे गया होगा कि किसी ने कॉल किया था, कॉल बैक भी मुझे नहीं किया। तो उसमें से जहाँ मैं सोच पा रहा हूँ, जितना दूर तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी वाइफ ना आए, ऐसा सोच रहे होंगे उनका भैया भी, कि उनका माता पिता भी, जो कोई भी उनका जो क्लोज क्लोज रिश्तेदार हैं, सब कोई ऐसा डिसीजन लिए होंगे शायद, इसीलिए मोबाइल कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो दुख तो मुझे लग रहा है, और बच्चे लोगों को भी ले गया है, कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा दुख को भुलाने के लिए, ज़बरदस्ती भी तो मैं नहीं कर सकता। दोस्तों ऐसा होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्या करूं क्या नहीं। कमेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं कमेंट देख के ना थोड़ा दिल को सुकून कर लेता हूँ। बहुत सारा कमेंट करते हैं आप सब, मैंने सब कमेंट को मैंने देखता हूँ, सब कमेंट को देखता हूँ मैं, सब कमेंट को देखता हूँ मैं, फिर भी बहुत दुख लग रहा है मुझे। कल रात तो सुसाइड करने के लिए मन कर रहा था, लेकिन आप सबने कमेंट दिया,
जो कोई भी लास्ट तक कल का वीडियो को देखे हैं वो सबको पता लग गया, और मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन उस सुसाइड का भी कमेंट आया, मत करो इसक भैया, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा कमेंट आया। मैं उस कमेंट को देखा और बहुत सोचा, मैंने आगे पीछे बहुत सोचा, और सुसाइड नहीं किया और ऐसे ही सो गया मैं। भूख तो बहुत लग रहा है दोस्तों, लेकिन खाना खाने के खाना खा खाऊंगा तो फिर नहीं खा पाऊंगा, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि मेरे वाइफ को ज़्यादा दुख नहीं लगेगा, मेरी वाइफ को ज़्यादा दुख नहीं लगेगा, इसीलिए उसके पास तीन तीन बच्चे हैं, और यहाँ पे मोनिका है, और मोनिका भी शायद जाएगा उसकी माँ की तरफ, मैं अकेला हो जाऊँगा। अगर ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आने नहीं देंगे उसको, चलेगा, मैं अकेला रह लूँगा, मैं अकेला ही रह लूँगा। प्लीज़ दोस्तों, इस वाला वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट करिए, मैं क्या करूं तो ठीक होगा, जरूर आप कमेंट करिए, सब कोई कमेंट करिएगा दोस्तों, सब कोई कमेंट करिएगा, बिल्कुल बिना कमेंट किए वीडियो देख के नहीं जाना है आपको। मुझे लाइक फाइक कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप कमेंट कीजिए मैं क्या करूं। और क्योंकि मैं भी उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, लेकिन सोच तो सकता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ, फिर भी दुख, बहुत डिप्रेशन में हूँ, इसीलिए मैं सोचने के लिए भी नहीं सोच पा रहा हूँ, सोचने के लिए मन कर रहा है लेकिन नहीं सोच पा रहा हूँ, इसीलिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट तो मैं सब कुछ देखता हूँ मैं। और अभी मेरा मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, बहुत भूख तो लग रहा है, थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए भी इच्छा लग रहा है, कल रात से मैं नहीं खाया हूँ। जबरदस्ती में एक दो मुट्ठा भी मैं खा लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं बहुत भूखा हूँ मैं। यहाँ पे मोनिका ने सब्जी बनाया था दोस्तों, कदन काम जहन ए जहन तीजा कदन काम करते सिनु कानम चिकाते चाबा करना मोबाइल तांगे कहाँ ना चाबा दरकार लीगो कहाँ लीगो काची गोदरो चाबान मुझे क्या जम चाबा आता है बा मोनिका, मुझे थोड़ा खाना थाली में परोस दो, खाऊंगा।
मैं बाहर खा लेता हूँ दोस्तों। मोनिका ये फल के आनबो। पीवा पाने आनदेब जेनतीटा सीढ़ ना है भलटा पुर्णा पानी ना आनबो जेनटा आज आनी थी हेटा কেনটা ইটা কেন মনিকে আগু কা দে রাগা বেটা নয় না सुबह ने जम चबा उतारे थे सुबह बोल बोलो को।